विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। आरटीआई से हुए खुलासे के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए सुषमा स्वराज के पति और बेटी को वकील बनाया। इस बीच विवाद ललित मोदी की मदद करने वाले मुद्दे पर भी जारी है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर का घेराव किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ी विदेश मंत्री, लेकिन उनसे जुड़े विवादों पर देश में हंगामा जारी है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी सुषमा स्वराज के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री के घर का घेराव किया। अभी ललित मोदी की मदद से जुड़े विवाद की आग ठंडी भी नहीं पड़ी है कि सुषमा स्वराज से जुड़ा एक और विवाद सामने आ गया। आरटीआई कार्यकर्ता ने खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल और बेटी को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बनाया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि सुषमा के पति और बेटी को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए चुनना मध्य प्रदेश के 80,000 वकीलों का अपमान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संतुलित जीवन के लिए योग का संदेश देंगी, लेकिन ललित मोदी प्रकरण के बाद सामने आए नए विवाद को लेकर सियासी संतुलन साधने का योग अभी बाकी है। दिल्ली से अनुषा सोनी के साथ अमित जैन, भोपाल आज तक। सुषमा स्वराज से जुड़े विवाद पर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रश्न इस बात का है कि ये भी थोड़ा बताना चाहे कि कितने प्रकरणों में दोनों को इंगेज किया गया, और इंगेज किया गया तो कितना उनको दिया गया, क्योंकि एक बार भाजपा ने इसको बहुत बड़ा विषय बनाया था कि इतना पैसा वकीलों को दिया गया, इतना पैसा वकीलों पे खर्च किया गया। वैसे सुषमा स्वराज का इसमें मैं दोष नहीं मानता। अरुण जेटली की बेटी को बनाया था, रविशंकर प्रसाद की बेटी को बनाया था, सुषमा स्वराज की। ये यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, और यही भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की बात करती है कांग्रेस के खिलाफ, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद।